हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल टी आर्मी एंड गवर्नमेंट्स जॉब पे। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अब की बार जो हम भर्ती आपको बताने वाले हैं वो जोन 4 की भर्ती है, जो कि दोस्तों कन्नूर केरला में होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है 122 इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती है मद्रास टी ए मद्रास। और दोस्तों, जीडी की 64 वैकेंसी, एडेसर की 3, और दोस्तों सेफ कम्युनिटी की 2, कलर्क की 1 एंड हाउस कीपर की 2, टोटल हो गई 72। और दोस्तों, इसी भर्ती में इंक्लूड है जोन 4 के 123 इन्फेंट्री ग्रेनेडियर्स की। तो दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है वो भी सभी भर्तियों में दे रखी है 123 की, इसकी कोई भर्ती नहीं होगी, इनमें इंक्लूड कर दी गई है वैकेंसी। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी जुड़ने के बाद इसमें वैकेंसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ गई दोस्तों। तो जुड़ने के बाद हो जाती है वैकेंसी 87। तो और दोस्तों, इसकी जो डेट है वो 4 से 8 फरवरी 2019 है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। और दोस्तों, रैली स्थान है वो कन्नूर केरला। तो अब दोस्तों बात करते हैं नोटिस की। तो चलो दोस्तों, मैं आपको नोटिस भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो ये भर्ती नोटिफिकेशन है वो ये है, कन्नूर में सेना रैली 10वीं क्लास वाले ले सकते हैं भाग। तो दोस्तों, ये जो केरल की भाषा है दोस्तों, उसका ट्रांसलेट किया गया है मलयालम का। तो दोस्तों, थोड़ा शब्द चेंज हो सकते हैं हिंदी में, ये न्यूज़पेपर में आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अब आप क्या दे रखा है, किस दिन किस स्टेट की भर्ती होगी। तो दोस्तों, पारदीप सेना भर्ती रैली 4 से 8 फरवरी तक कन्नूर के कोटायाम में आयोजित की जाएगी। केरल के लोग 4 फरवरी को भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो केरल की भर्ती है वो 4 फरवरी को होगी। और दोस्तों, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 5 फरवरी को रैली में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अन्य राज्य मतलब कि दोस्तों, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और दोस्तों नीचे के जो स्टेट है वो इस रैली में, इस तीन मतलब दोस्तों जोन 4 के अंतर्गत जो भी स्टेट आते हैं उनकी, या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उनकी दोस्तों भर्ती रैली 5 फरवरी को होगी। तो दोस्तों, जो स्टेट जोन 4 के हैं वो 5 फरवरी को भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, आगे क्या दे रखा है कि 5 फरवरी को रैली भाग ले सकते हैं। पंजीकरण औसारिक परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, इस रैली में ओनली पुरुष भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, आगे अब बात करते हैं और डिटेल्स की। तो दोस्तों, रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोस्तों, जीडी की 79 वैकेंसी है, कलर्क स्टाफ की 1 वैकेंसी है, बावर्ची की 2 है, ड्रेसर की 3 है, हाउस कीपर की 2 है। और दोस्तों, एज है वो 18 से 42 है। और दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों 45% प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना अनिवार्य है। और दोस्तों, कलर्क स्टाफ के लिए 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर। और दोस्तों, हाउस कीपर, शेफ, ड्रेसर, इनमें 10वीं पास और कार्य का कुछ अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें दे रखा है कि ग्रेजुएट या अधिक योग्य भर्ती भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान रखने वालों को वेटेज अंक मिलेंगे, यानी कुछ नंबर की छूट मिलेगी। और दोस्तों, जो रनिंग होगी वो 1.6 किमी होगी, मतलब 1600 मीटर। और दोस्तों, इसमें एज ग्रुप बनाए जाएंगे। इस भर्ती रैली में इन्होंने पहले दे रखा है कि 18 से 21 आयु वाले को ग्रुप 1 में रखा जाएगा, यानी 5 मिनट 40 सेकंड तक टाइम मिलेगा। और दोस्तों, 21 से 30 वर्ष की आयु वाले को 5 मिनट 40 सेकंड के भीतर करना तो दोस्तों, इसमें एज ग्रुप बनाए जाएंगे एज के हिसाब से।
तो दोस्तों, जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच में उन्हें 6 मिनट 34 सेकंड तक टाइम मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे ही 40 से 42 वर्ष के बीच वालों को 7 मिनट से अबव टाइम मिलेगा। और दोस्तों, रैली भर्ती में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जाति, चरित्र, योग्यता, और दोस्तों रिलेशन, विवाह प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट, एनसीसी, खेल कंप्यूटर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक हो, और दोस्तों 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लेके जाना। और दोस्तों, अभी आपको कोई डाउट हो तो नीचे मोबाइल नंबर, इन्होंने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।